करण जौहर के सबसे चर्चित ओटीटी रियलिटी शो बिग बॉस जिसने मात्र 4 हफ्तों में ही दर्शकों के बीच बड़ी पहचान बना ली थी और उसकी खास वजह बने थे इस शो में आए कंटेस्टेंट, और वो भी ऐसे वैसे नहीं बल्कि बॉलीवुड और टीवी की दुनिया के जानी मानी हस्ती, जिसमें से सबसे बड़ा नाम शमिता शेट्टी, नेहा भसी, अक्षरा सिंह के साथ साथ राकेश बापट जैसे बड़े नाम शामिल थे। वही खबरों की माने तो बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 जुलाई लास्ट वीक या फिर अगस्त फर्स्ट वीक में शुरू होने वाला है। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि यहां आने वाले कंटेस्टेंट की लिस्ट हमारे सामने आ चुकी है, जिसमें सबसे पहला नाम जैद दरबार और गौहर खान का आ रहा है। बताया जा रहा है कि ये कपल बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के पहले कंफर्म कंटेस्टेंट है। इस शो के लिए गौहर को भी अप्रोच किया गया था, जिसके बाद उनके आने की खबर सुर्खियों में है। यहाँ हम आपको बता दें कि गौहर खान बिग बॉस का एक सीजन जीत चुकी हैं, वहीं सीजन 14 में वो नए कंटेस्टेंट को कोच करती भी नजर आ चुकी हैं। ऐसे में गौहर बतौर कंटेस्टेंट शो में वापसी करना चाहती हैं या नहीं, इस पर वो भी सोच विचार कर रही हैं। इन दोनों के बाद तीसरा नाम जो आ रहा है वो भी उन्हीं के परिवार का है। जी हाँ, आपने सही सुना, तीसरा नाम किसी और का नहीं बल्कि गौहर खान के देवर यानी जैद के भाई अवेश दरबार का है। कहा जा रहा है कि अवेश दरबार को भी इस शो में आने के लिए अप्रोच किया गया है। उनके वर्क प्रोफाइल की बात करें तो अवेश अपने भाई जैद की तरह एक कोरियोग्राफर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जैद और अवेश के पिता इस्माइल दरबार भी बिग बॉस का हिस्सा रह चुके हैं। बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 की अगली खिलाड़ी अनुष्का सेन को माना जा रहा है। अनुष्का सेन टीवी जगत का जाना माना नाम है। उन्होंने रोहित शेट्टी के शो खतरों के खिलाड़ी के साथ अपनी बड़ी पहचान बना ली है। फैंस ने उन्हें खूब पसंद किया था। बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के लिए अगला नाम निया शर्मा को माना जा रहा है। निया को बिग बॉस के लिए काफी सालों से अप्रोच किया जा रहा था और निया हर साल ये ऑफर ठुकरा देती थी। हालांकि बिग बॉस ओटीटी सीजन 1 और बिग बॉस 15 में निया एज अ गेस्ट घर में आ चुकी हैं। अगर निया इस बार शो का हिस्सा बनती हैं तो ये तो तय है कि उनकी फीस भी तगड़ी होगी और वो सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स में शुमार होंगी। इस लिस्ट में अगला नाम केविन अल्मासिफर का लिया जा रहा है। डिजिटल की दुनिया खास तौर से वोट और MTV का जाना माना नाम है। केविन रोडीज के एक सीजन और स्प्लिट्सविला का एक सीजन अपने नाम कर चुके हैं। वो अपने गुस्से के लिए काफी मशहूर है और इसका सटीक उदाहरण ये है कि अपने पिछले शो में केविन को हिंसा करने के लिए शो से बाहर निकाला जा चुका है। सूत्रों की माने तो अगला नाम इस लिस्ट में पूनम पांडे का है। माना जा रहा है कि पूनम पांडे को भी बिग बॉस ओटीटी के लिए मेकर्स ने अप्रोच किया है, लेकिन अभी तक पूनम ने शो के लिए हामी नहीं भरी है। यहाँ हम आपको बता दें कि पूनम पांडे अपने बोल्ड अदाओं के लिए जानी जाती हैं और कंगना रनौत फेम शो लॉकअप में भी उन्होंने बोल्डनेस की सारी हदों को पार किया था। लेकिन कंटेस्टेंट्स के साथ साथ दर्शकों में इस शो के होस्ट के बारे में भी जानने की इच्छा दिखाई दे रही है। दर्शकों के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि शो के होस्ट करण जौहर इस शो का हिस्सा होंगे या नहीं। खबरों की माने तो करण जौहर इस बार शायद ही शो का हिस्सा बन पाए। करण जौहर अपने चैट शो कॉफी विद करण की शूटिंग में काफी बिजी हो चुके हैं, जिसके पूरे होते ही वो अपने फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की शूटिंग में बिजी हो जाएंगे। ऐसे में उनके पास बिग बॉस ओटीटी के लिए समय कम बच रहा है। देखना ये है कि अगर करण जौहर वापसी नहीं करते तो बिग बॉस ओटीटी कौन होस्ट करता है। आप बिग बॉस सीजन 2 के होस्ट के रूप में किसे देखना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे ही शोज के अपडेट के लिए फॉलो करें हमारा चैनल मीडिया दरबार एंटरटेनमेंट। धन्यवाद।